नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। ग्राउंड से रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, मेरा गला भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इस बीच आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगातार 2 मैच जीत लिए और पिछले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ बेहद रोमांचक और बड़ी जीत दर्ज की। चिन्नास्वामी स्टेडियम के किले को फतह करना आसान नहीं था। जो भी आपकी टीम की काबिलियत पर शक कर रहे थे, अब आगे नहीं कर पाएंगे। बेंगलुरु को बेंगलुरु में हराना कोई छोटी बात नहीं थी, अब हमें जीत की हैट्रिक लगानी है। अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से है, हमारे इकाना स्टेडियम में। घरेलू मैदान पर आपकी टीम अब तक अपराजेय रही है। 2 मैचों में कोई भी टीम आपकी टीम को हरा नहीं पाई है। तो लगातार 2 मैच जीतने के बाद भी आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स कोई भी कोताही बरतने नहीं जा रही है। आप खुद ही सुनिए टीम के मुख्य कोच एंडी फ्लावर टीम को क्या सलाह दे रहे हैं। We are one group, we are one team. So as a group, really well done. I would say, however, though, that game's gone. Just the same as if we'd been bowled out for 90. We'd also say that game is gone. Because the world moves on very quickly. You know, Quinton spoke in the dressing room the other night and highlighted some of the special performances that night. Even some of the moments were special, however short, however momentary they were. Bishi holding his nerve and tucking it for 2, as if he was playing in the garden or in the street. That's a brilliant moment to experience, for us all to experience. But that's now in the past. We move on and we develop ourselves using this afternoon as part of that. Good. We're on those 2 red nets. They aren't going to be brilliant, so don't walk in there expecting them to be brilliant, because you will be disappointed. So set your expectation. They won't be brilliant. Okay? But I watched those guys train on very poor nets a week ago when we were here. And the guys that trained got something out of them, definitely. They will be better than that a week ago, so let's get something out of them. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कितनी संतुलित है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीम के पास इस वक्त विकल्पों की कोई कमी नहीं। अब ओपनिंग को ही ले लीजिए, आपके पास कप्तान केएल राहुल हैं, काइल मायर्स हैं, दीपक हुड्डा भी ओपनिंग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्विंटन डिकॉक को तो अब तक मौका ही नहीं मिल पाया। वैसे भी टीम मैनेजमेंट विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहता है। तब देखना पड़ेगा कि क्विंटन डिकॉक जैसे बल्लेबाज को कब मौका मिलता है। और आखिर में बात एक ऐसे खिलाड़ी की करते हैं जिसकी कहानी बहुत दुख भरी रही है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच में 19 गेंदों में 326.32 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की अहम पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिलाई। उनकी इस पारी में 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। क्या आप जानते हैं कि पूरन जनवरी 2015 में एक भयंकर कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। दुर्घटना में पूरन के दोनों पैर लगभग बेकार हो गए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल की थी और वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। एक्सीडेंट के बाद कई महीने पूरन ने सिर्फ व्हीलचेयर पर गुजारे। हालांकि कुछ वक्त बाद पूरन ने वापसी की और ऐसी वापसी की कि दुनिया देखती रह गई। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जब फ्रेंचाइजीज ने उन पर मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए खर्च किए तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे। अब उन तमाम सवालों का जवाब पूरन ने दे दिया है। अब उम्मीद है कि अगले मैच में पंजाब के खिलाफ पूरन की बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिलेगी और इकाना स्टेडियम पर आप आतिशबाजी की उम्मीद कर सकते हैं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।